हाथ, मैंने कहा लड़की का हाथ छोड़ो। हीर मर गई आज तो तू, चलते कुछ कर, कुछ सोच, नहीं तो आज तो कयामत आ जानी है। बाय गॉड, क्या करूं? एक सेकंड, तू ये क्या कर रही है? तनु, मुझे ना चक्कर आ रहे है, बहुत बेहोशी जैसा भी लग रहा है और बहुत सर भी फट रहा है। तू प्लीज मेरा सर दबा देना चल के, प्लीज मेरा सर दबा देना। तू नाटक कर रही है ना? तनु, मैं ना तेरे लिए तेरी फेवरेट बड़ी वाली कल चॉकलेट लेकर आऊंगी। बस तुझे किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलना है। अगर तूने मुंह खोला ना, तो मैं अपना मुंह खोलकर सबके सामने अफवाह फैला दूंगी कि तेरा चक्कर चल रहा है हिंदी प्रोफेसर के साथ। तू ये क्या बोल रही है? बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ तनु, चॉकलेट्स भी तो दे रही हूँ ना तुझे, तेरी फेवरेट। तो एक छोटा सा झूठ बोलने में तेरा क्या जाता है? फिर तो ठीक है ना, क्या हुआ तुझे? इसे ना अचानक से चक्कर आने लगे, मैंने इसके सर पर पानी डाला, अभी बिल्कुल ठीक है। इसको हेडेक भी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए मैं इसका सर दबा रही हूँ। पर अचानक से चक्कर कैसे? तू ठीक है ना? अब ही तुम ठीक हो ना अभी? नहीं सिंधु बुआ, हीर बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। हीर चलो, मैं भी तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। नहीं डॉक्टर, अब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देखो। वो तो अच्छा हुआ मुझे तनु मिल गई, इसी ने मेरा ख्याल रखा है, मुझे ठीक किया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तू अभी मेरे साथ चलेगी, चल मैं जीप निकालता हूँ। नहीं सोहम, तेरी कसम देखना, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। छोटा सा तो चक्कर था, आया और तुरंत चला गया। अच्छा ठीक है, डॉक्टर के पास नहीं जाना, मत जाओ, लेकिन घर जाके रेस्ट करो, ठीक है? नहीं मुझे घर भी नहीं जाना, घर जाऊंगी तो फालतू में सब लोग एक्स्ट्रा केयर करेंगे और मुझे और बीमार फील होगा वहाँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, देखो। ओ आंटी चल शर्त के पैसे निकाल। पूरे 75,000। अगर तूने मेरे भाई को पैसे दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन से 75,000 भाई, मैंने तो मजाक में शर्त लगाई थी और तुम सच में पैसे लेने आ गए। स्टूडेंट है यार हम, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अबे जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो शर्त क्यों लगाई? रिलैक्स यार विराट, तू अमीर घर का बेटा है, तुझे पैसों की क्या कमी? वे फैमिली पे मत जा, पैसे निकाल। विराट अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अभी दे देता। भाई मार पीट के तुझे पैसे मिल जाए तो मार ले मुझे। सच में शर्त लगाई थी? हीर मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। आई लव यू हीर। तुम्हें ना शायद कोई गलत फहमी हो रही है, मुझे तुम में इंटरेस्ट है इसीलिए छत पर नहीं चढ़ा था। इंटरेस्ट तो मुझे उन 75,000 रुपए में जो शर्त जीतने पर मुझे मिलने वाला। मतलब मेरे इमोशंस के साथ ना
गंदा वाला खेल खेला है तुमने, और ये वाला गेम तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा विराट सिंह। तूने जो किया ना बहुत गलत किया। अच्छी खासी रेप्यूटेड फैमिली से हो, पैसों के लिए शर्त लगाकर किसी की बहन के साथ ऐसा बिहेव करना अच्छी बात नहीं है। भाई सुन, वो मामला ना खत्म हो चुका है, पर ऐसे फालतू का ज्ञान देना भी कोई अच्छी बात नहीं है। ना तो मैंने तुम्हारी बहन के साथ कोई गलत बात की है, ना तो कोई बदतमीजी की है, सिर्फ मजाक बनवाया मैंने अपना। और हाँ, वो शर्त सिर्फ एक शरारत थी, और ऐसी किसी भी ऐसी वैसी शर्त के लिए मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस करके किसी लड़की की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकता। मैंने गलत स्टेटमेंट देके भी तुम्हारे भाई को जेल नहीं जाने दिया, गॉट इट? तनु, प्लीज एक लास्ट बार मेरी हेल्प कर दे पक्का। मैं तुझसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। और कैसा रहेगा अगर मैं तुझे तेरी फेवरेट चॉकलेट्स के साथ वो जो हमने देखा था टाई एंड डाई वाला दुपट्टा, तेरा फेवरेट वो दो तो करेगी ना हेल्प? फिर प्लीज मुझे दोबारा मत फंसा यार, तेरे भाई लोगों को पता चलेगा तो वो मुझे भी सुना डालेंगे। तू प्लीज ये काम किसी और से करा ले। तनु, तुझे पता है जब तूने पहली बार मेरी हेल्प की थी ना, बस तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि तू ही है इस कॉलेज में मेरी बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं है तेरे सिवा। मैंने बस सोच लिया था कि मैं हमेशा तुझसे ही हेल्प मांगूंगी। और तू चाहती है सब वो? चाहती है? नहीं ना, तो बस मेरी हेल्प कर दे प्लीज। तुझे तो पता है ना कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे भाई कॉलेज में सियाप्पा खड़ा कर देंगे। करेगी ना? इमोशनल खड़ूस। क्या कहा तुमने? ये मैंने नहीं, उसने कहा है। कौन? वो ही। क्या कहा तुमने? फिर से कहना जरा। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। तुम एक नंबर के सेल्फिश, अकड़ू, खड़ूस और एक नंबर के घटिया इंसान हो। तुमसे बेटर तो वो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो कम से कम पैसों के लिए किसी की फीलिंग्स के साथ तो नहीं खेलते। मैं खेलता हूँ फीलिंग्स के साथ? अरे तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? जितना जानती हूँ ना उतना काफी है। और वैसे भी तुम जैसे इंसान से उम्मीद भी क्या लगाई जा सकती है? तुम जैसा इंसान पैसों के लिए किसी। बहुत बोल रही हो तुम। अरे हीरो, अरे कहाँ भाग रही हो? ऐसे कुछ भी बोल के चली जाओगी क्या? कितना टाइम लगता है? आओ ना जल्दी।
आज अगर सोहम नहीं होता ना तो उस विराट सिंह के मुंह पर तो मुक्का मार के उसे बेहोश कर देना था मैंने। समझता क्या है वो अपने आप को, जो मन में आएगा वो करेगा। फिर तू ना बिल्कुल स्टूपिड है, बिल्कुल बेवकूफ। फिजूल में उसके ख्यालों में खोई जा रही थी, फिजूल में उसके बारे में इतना सोच रही थी, उससे इम्प्रेस हुए जा रही थी। उस लड़के ने इतनी हिम्मत तेरे प्यार में नहीं स्टूपिड बल्कि उस 75,000 रुपए के लालच में दिखाई। हीर, मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। आई लव यू हीर। ऐसे कैसे कर सकता है वो? इतना झूठ। हीर तू ना रो मत, वो लड़का तेरी दोस्ती के लिए नहीं बल्कि तेरी दुश्मनी के लायक भी नहीं है। उसे तो सिर्फ लात खुशी और मुक्के मारने चाहिए, सिर्फ गालियां सुनानी चाहिए उसे। ऐसे कर सकता है वो मेरे साथ ऐसा? क्या बात है, तू अपने सॉक्स इस तरह तभी फेंकता जब तू फुल खराब मूड में हो। क्या हुआ है दादाजी? वो लड़की। लड़की? कौन लड़की? कोई इंटरेस्टिंग बात हुई है क्या? अरे दादाजी पूरी बात तो सुन लो। बोल। वो लड़की जिसके बारे में आपको कल बताया था, हाँ, मेरे को आके सुना के गई। क्या बोलती है? मैं घटिया, सेल्फिश और बदतमीज किस्म का इंसान हूँ और पैसों के लिए किसी की भी फीलिंग्स के साथ खेल सकता हूँ। हाँ गुलाबू, बिल्कुल सही सुना तुमने। उस विराट सिंह ने ना मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। गुलाबू बिल्कुल सही कहती थी तुम कि हीर किसी पर भी भरोसा करने से पहले ना तुझे पूरे 10 बार सोचना चाहिए। गुलाबू पर आई प्रॉमिस, अब उस लड़के के बारे में बात तो क्या, मैं उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है। गुलाबू काश मेरे पास 75,000 रुपए होते ना तो मैं अभी के अभी जाती और उस लड़के के ना मुंह पर मारती वो पैसे, फिर उसको बोलती कि ये ले 75,000 रुपए, इसलिए इतना घटिया काम किया ना मेरे साथ। मगर मेरे पास तो इतने सारे पैसे है ही नहीं, कहां से लाऊं मैं इतने पैसे। गुलाबू वो विराट सिंह ना बहुत ही घटिया इंसान है, बिल्कुल सेल्फिश अपने मतलब के लिए। ऐसे कैसे नहीं सोचेगी तू उस लड़के के बारे में? अगर 75,000 रुपए इस घर में नया तूफान लाने की वजह है तो मैं दूंगी तुझे 75,000 रुपए। वही तो, लड़के ने तेरे साथ बहुत गलत किया है। उसके साथ जो तेरा मन करे वो करने का तुझे पूरा हक है। मैं जानती हूँ, एक लड़का जब किसी खूबसूरत लड़की की तारीफ सिर्फ पैसों के लिए करे ना तो उस बेचारी लड़की पर क्या बीतती है ना, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। लेकिन कोई ना, ये पैसे ले और जाकर उस लड़के के मुंह पे मार। उस लड़के ने 75,000 के लिए तुझे आई लव यू बोला, लेकिन ये मामला अब सिर्फ तुम दोनों के बीच का है। घर वालों को बिना बताए, बिना किसी से कुछ कहे खुद जाकर उससे निपट और ये उसके मुंह पे मार। वैसे भी सुना है कि बड़े आशार वाले लोग हैं, ऐसे लड़कों के दिमाग हमेशा आसमान पर रहते हैं, ये हर लड़की को सिर्फ पैसों से तोलते हैं। लेकिन तू जाकर बता दे कि तू इन लड़कियों जैसी नहीं है, मेरी हीर सबसे अलग है। मगर दादी ये पैसे, दादी मानती है ना मुझे, तो फिर ये पैसे ले
और उसे दिखा दे कि तू अलग है, कि पैसे तुझसे ज्यादा नहीं है मेरे लिए। लेकिन हाँ, घर में किसी को इसके बारे में मत बताना, क्योंकि अगर जीजी को पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगे। उनको लगेगा कि मैं तुझे सर पे चढ़ा रही हूँ। पैसों के लिए जिस लड़की के इमोशंस के साथ खेला ना तुमने, अब वही लड़की तुम्हारे मुंह पे ये पैसा देखकर मारेगी, तुम्हें तुम्हारी असलियत बताएगी और तुम्हें सुनाएगी भी। तब होगा हिसाब बराबर। तुमने आपको समझती क्या है, मुझे सुनाती है। बिल्कुल कॉलेज में तुमने आपको बहुत स्मार्ट समझती है ना, ना सुनाऊंगा कि रो देगी, तब होगा हिसाब बराबर। प्रीतो, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, आज मैं सीरियसली कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। प्रीतो हाँ तो फिर चलना, उठ ना, डॉक्टर के पास लेके चलते तुझे। उठ दादी, उठाओ इसे। एक काम करते हैं, मैं डॉक्टर को फोन कर देती हूँ, घर ही बुला लेते। अरे एक काम करते हैं, वो डॉक्टर को फोन करके यहीं बुला लेती। डॉक्टर डॉक्टर क्यों? प्रीतो, रोहन वीर जी, सो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सो लेना चाहिए। आप लोग प्लीज कॉलेज जाओ ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोने दो, आप लोग जाओ प्लीज। अच्छा सोने दे, सोने दे, चल 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 चल। आज छुट्टी करके आराम करना चाहती है तो करने दो, तुम दोनों को छुट्टी करने की जरूरत नहीं, तुम लोग कॉलेज जाओ। अनी, अगर हीर की तबीयत ज्यादा खराब हो तो प्लीज डॉक्टर को फोन कर देना, हो सके तो हमें भी इन्फॉर्म कर देना। अरे अपनी लाडली बहन के भाइयों, थोड़ा थोड़ा ख्याल ये प्रीतो सिंह भी रख लेती है उसका, फिक्र मत करो, जाओ तुम। इस हीर की बच्ची ने मेरे पैसे भी ले लिए और अब कॉलेज भी नहीं जाएगी।